दोस्तों सूर्य कुमार यादव की आंधी में उड़ा वेस्ट इंडीज, भारत ने मात्र इतने ओवर में जीत लिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला, सीरीज में करी धमाकेदार वापसी। दोस्तों दिखाएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले की पूरी हाइलाइट इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव को शानदार प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज तीसरा T20 मुकाबला खेला गया जिसमें वेस्ट इंडीज के कप्तान रोहन पॉल ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी करने का फैसला। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 20 ओवर में बनाया 159 रन। वेस्ट इंडीज की तरफ से कप्तानी पारी खेली रोहन पॉल ने ताबड़तोड़ 40 रनों की। दोस्तों बात करें भारत की तरफ से, शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने झटके सर्वाधिक 3 विकेट। दोस्तों 160 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय टीम की शुरुआत रही खराब और अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को 34 रनों पर गवा दिया, जिसके बाद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर की चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी और भारत की जीत को कर दिया सुनिश्चित। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ 83 रनों की पारी खेली मात्र 44 गेंदों पर, जिसमें 10 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं तिलक वर्मा ने खेली 49 रनों की पारी। दोस्तों तिलक वर्मा 1 रन से चूक गए लगातार अपने दूसरे अर्धशतक से। वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से अल्जारी जोसेफ ने झटके सर्वाधिक 2 विकेट।